नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए रुदौली से दो बार से विधायक रामचंद्र यादव। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां है और बिल्कुल नज़दीक है, आप परीक्षा की घड़ी है। रुदौली विधानसभा की बात करें तो दो बार से जनता का प्यार आपको यहां से मिला है। 2012 की बात की जाए तो अखिलेश की लहर थी, उस समय आपने ये सीट बीजेपी के लिए जीती। 2017 में आप विधायक बने और एक बार फिर पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। इस कार्यकाल की बात की जाए तो क्या कुछ विकास कार्य रुदौली विधानसभा में कराए गए हैं आपके द्वारा? निश्चित रूप से अयोध्या जो न केवल पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा जनपद है, एक ऐसी नगरी है जहाँ से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि हम निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, वहीं दुनिया से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या कैसे बढ़ सकती है, अयोध्या का हम चतुर्दिक विकास कैसे कर सकते हैं जिससे अयोध्या के क्षेत्र में रहने वाले नौजवान किसान व्यापारी उनको उनकी मेहनत का, उनके पसीने की कमाई मिल सके, वह कैसे खुशहाल हो सकते हैं, इस दिशा में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किया है। निश्चित रूप से आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अयोध्या में आज़ादी के 75 वर्षों में जितना विकास देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और उस विकास को अयोध्या की धरती पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बखूबी से ज़मीन पर उतारने के लिए मेहनत किया है। कोरोना जैसी महामारी में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार अयोध्या का दौरा करते रहे। अयोध्या में देश की प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग 35 दौरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हो चुके हैं और जब जब कोई संकट आता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या की धरती पर आते हैं। बाढ़ जैसी आपदा में भी मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ और मेरे भी क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने आकर के बाढ़ पीड़ितों को राशन वितरण किया, उनकी हालचाल जानी। और इतने नहीं, अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या का जब नाम आता है तो राम भगवान, और विपक्ष लगातार यही आरोप लगाता आया है कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती आई है। नहीं, राम के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, हम राम के अनुयायी हैं, राम भक्त हैं। हम निश्चित रूप से राम भक्तों की एक बड़ी ताकत है और उस राम भक्त के सम्मान में जो भी करना पड़ेगा वो हम सब लोग करते रहे हैं। और इसी सोच को कैसे देश में रामराज्य स्थापित हो सकता है, इसी दिशा में भारत के प्रधानमंत्री जी का काम है और वो काम जो उत्तर प्रदेश की सीमा में होना चाहिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हम लोग उनके मार्गदर्शन में जहां एक तरफ अयोध्या के विकास की योजनाओं को लेकर के काम करते हैं, वहीं पूरी तरह से अयोध्या के नौजवान व्यापारी कारोबारी कैसे देश को, दुनिया को अच्छा संदेश दे सकते हैं, अच्छा पूरे देश को बता सकते हैं कि हम अयोध्या के वासी हैं। और इसी नाते जब जब आपकी जानकारी में है ही है, जब दीपोत्सव ऐसा कार्यक्रम होता है तो यहाँ गांव का वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला भी अपने बर्तन को लेकर के, अपनी मिट्टी की उस दिवाली को लेकर के लाखों लाख में कमाई करता है। और ये दीपोत्सव जैसा कार्यक्रम जो दुनिया में जिसकी पहचान बनी है, वो बत्ती बनाने वाला भी गरीब परिवार का आदमी वहाँ पर अपनी बत्ती बेचता है। तो जहाँ एक तरफ अयोध्या की महिमा और गरिमा के बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा आयोजन किया, वहीं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमारी रुदौली को भी उसमें हजारों नौजवानों को, हजारों माताओं बहनों को जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिसके नाते से आज माताएं बहनें भी रोजगार से जुड़ी हैं। हमारे रुदौली विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों ऐसे समूह हैं जिन समूहों के माध्यम से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, रोजगार कर रही हैं, अपने उत्पादन को बाजार में, मार्केट में बेच रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी मार्केट दी है, अभी अयोध्या के तमाम ऐसे जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारे काम करने वाले गरीब लोग हैं, उन लोगों ने लखनऊ में जाकर के अपने मिट्टी के बर्तन, अपने हाथ से उत्पादन किए हुए सामानों को बेचने काम किया, उनको अच्छा मुनाफा हुआ। आपके रुदौली क्षेत्र की बात करें तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहे विकास के जिसको लेकर अब आने वाला चुनाव जो आने वाला है उसको
उन्हीं के साथ जनता के बीच आप पहुंचेंगे। रुदौली का जहां तक विषय है, रुदौली में इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की योजना प्रधानमंत्री योजना है। आप जो सड़क देख रहे हैं ना, ये प्रधानमंत्री योजना की सड़क है। अकेले रुदौली विधानसभा क्षेत्र में अब तक 137 किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क की योजना बनी और वो काम करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमारी वह सड़कें जो देश की आज़ादी के 75 वर्षों में कभी नहीं बन पाई थी, उनको भी पैसा देके बनवा दिया है। आज रुदौली के किसी भी गांव में हम जाते हैं तो हमारा वो गांव पक्के मार्गों से जुड़ा हुआ है। वो बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर पुल नहीं थे, गोमती नदी पर बिगनिया घाट का पुल बनकर के तैयार होने जा रहा है। कल्याणी नदी के अनारपट्टी घाट पर हमारा वो पुल बन के तैयार हो गया, जनता को समर्पित हो गया। एक ऐसा पुल जो आज़ादी के लंबे दिनों के बाद रुदौली नगर के कारोबारी व्यापारी किसान चाहते थे। हमारा जो रुदौली रेलवे ब्रिज है उसको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के द्वारा शुरू कराया गया और अभी जल्दी में हम लोगों ने उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया है। आज पूरी तरह से जहाँ एक तरफ सड़कों का जाल बिछा है, पुलों का निर्माण हुआ है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में भी दो ITI टेक्निकल एजुकेशन और साथ ही साथ इंटर कॉलेज दो और एक ऐसी उपलब्धि जिसमें हमारे देश में हमारे प्रदेश के अंदर में दो ऐसे मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए। एक होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज बनारस को मिला तो दूसरा राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुदौली को मिला, अयोध्या को मिला और रुदौली में उसका शिलान्यास 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी ने कर दिया और वहाँ भारत सरकार के आयुष मंत्री जी भी आए थे। सभी लोगों ने रुदौली की एक बड़ी सौगात दे करके रुदौली के वो नौजवान जो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको सबको एक वहीं दूसरी तरफ हमारे वो गरीब परिवार के बच्चे जो कभी पढ़ाई के लिए मोहताज हुआ करते थे, उनके रहने का, खाने का, पढ़ने का, उनको खेलने का भी एक छत के नीचे अटल आवासीय कॉलेज जैसी सुविधा दे करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रुदौली वासियों का सम्मान करने का काम किया है। और अयोध्या रुदौली निहित रूप से ये रुद्रावली है, भगवान भोलेनाथ की ये नगरी है। और जब अयोध्या में भगवान भोलेनाथ की नगरी में विकास होगा तो कहीं ना कहीं काशी जैसा एक जन सैलाब इस तरफ भी आएगा। माँ कामा क्या का वह स्थान जिस स्थान को पूरे देश में पहचाना जाना जाता है, रुदौली में गोमती नदी के तट पर है। मेघवारी आश्रम रुदौली के गोमती के तट पर है। उस स्थान को भी विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं देकर के उसका विकसित करने के लिए अभियान चलाया है। अभी बहुत सारे काम वहां पर शुरू हुए हैं, बहुत सारे काम अभी होने हैं। निश्चित रूप से माँ कामाख्या मंदिर के उस परिसर में होने वाले पर्यटक विकास के अन्य विभागों के काम भी पूरे हो गए हैं, कुछ काम चल रहे हैं। इन बहुत सारे कामों को अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद 2017 से लेकर 2022 के बीच में विकास के इतने काम हुए हैं, उतने काम 50 वर्षों में नहीं हुए हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो क्या लगता है, आखिरी सवाल, कि अब चुनाव बिल्कुल सर पे है, 10 मार्च को नतीजे भी आ जाएंगे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता का रुख होगा, क्या रुदौली की जनता का एक बार फिर आपको वही प्यार मिले? देखिए, मुझे पूरा भरोसा है, जब जब परीक्षा में हम लोग जाते हैं तो उस परीक्षा में जाने के पहले जनता के बीच में परीक्षा दे करके रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर हम लोग जनता के बीच चले जाते हैं। चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से चुनाव के समय चुनाव लड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उसका कार्यकर्ता रोज किसी न किसी बहाने गांव में होता है और हम लोग 24 घंटे में 18 घंटे जनता के बीच में होते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। इसलिए मैं दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनने जा रही है और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो फिर से योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रामचंद्र यादव जी हमारे लिए समय निकालने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रुदौली विधानसभा विधायक रामचंद्र यादव जी। अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, चुनाव का समय है और यही परीक्षा की घड़ी है। जिस तरह से रामचंद्र यादव जी ने बताया कि ये तमाम विकास कार्य जो रुदौली विधानसभा में कराए गए हैं उन्हीं विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुँचेंगे और एक बार फिर 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज़, रुदौली।